मोबाइल में फुल हो जाएगा। ये सबसे नन होता है, यहाँ लाइटिंग में कुछ आया नहीं है, तो अजीब सा था। कोई बात नहीं, सीख गए बाबर चला के करेगी। 200 टाइम ये क्या ट्राई किए, क्या चीज़ ट्राई किए, कौन सा एप्लीकेशन कि क्या थी, फिर काइन मास्टर पर सीखे, पावर डायरेक्टर पर सीखे, फिर मोरा पर सीखे, काइन मास्टर हम लोग उस पर नहीं कम क्या ए सब वीडियो एडिटिंग में काला कॉल है सब है डबल टी वीडियो एडिटिंग जो है ना ये भी जो है ना बहुत ट्रेंडिंग कोर्स में है, एकदम ट्रेंडिंग है। मतलब ये सीख जाइएगा ना तो घर से बाहर ना निकलिएगा, पैसा कमाइएगा और अभी अभी मिल जाएगा। हैं सही बोले, वीडियो आता है क्या? वीडियो एडिटिंग जो है ना ये सबसे ज़्यादा लड़कों से समझ, बेरोजगार ना होना है तो सीख लीजिएगा वीडियो एडिटिंग, एकदम सही है। मतलब बेरोजगार रह जाइए। हैं अरे अभी सरकारी नौकरी के चक्कर में नहीं पड़िए, समझ आए ना, कोई स्किल अपने अंदर में पैदा कीजिए, स्किल डेवलप कीजिए, सीधी सी बात है। बिना स्किल डेवलप खूब अच्छा से बोलने आए ये भी एक स्किल है, तो सीखिए कि बहुत अच्छा से हम कैसे बोले, है ना। बहुत अच्छा से बोलिएगा ना तो देखिएगा ज्यादातर नौकरी सब पर छूटता है बोलने के ऊपर। आपको अगर बात करने भी आ गया, सिर्फ बात करने, तो हर ऑफिस में 2-3 सीट है, हर ऑफिस में। जैसे बता देते हैं हम सबको, बता दे ये मार्कर है, तो ये मार्कर अच्छा है, अगर आपको बोलने नहीं आता है, कन्वेंस करने नहीं आता है, तो ये अच्छा मार्कर भी, हम बुरा सबको समझा देंगे, और खराब मार्कर भी है, लेकिन चाहेंगे हम अपने बात करने के तरीका से, अपने टैलेंट से, कन्वेंसिंग पावर से खराब को भी हम अच्छा कर देंगे। बात सही नहीं है? अगर अगर देखिए जैसे सुने सुने जैसे ये मार्कर में थोड़ा यहाँ कट लग जाए, यहाँ पे ये फूट जाएगा मार्कर, ठीक है, तो इसको समझाने का कई गो तरीका है। आप वही वाला बात है, मास कट वाला, तो ये जाए कि ये जो है ना कभी कभी गर्मी के दिन आएगा, गर्मी के दिन में मार्कर का जो है इंक ये हो सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे एयर के लिए खोला गया, ऐसे है उसे है ना, इस तरह से कहीं मिलेगा नहीं। आप एक बार यूज करके इसको देखिए, ऐसा ऐसा ना समझा देगा कि वो समझेगा सही में आया है, ऐसा कहीं मिलेगा ना, ऐसे ऐसे स्पेशली है, ये है फलना है चिना, तो बात करने। लेकिन एक और चीज है, ये फाटल स्पीकर वाला बोल देने से नहीं होता है, कहाँ पे क्या बोलना है और किस आवाज में बोलना है, किस टोन में बोलना है, कितने स्पीड में बोलना है, कितने स्लोली बोलना है, ये होना चाहिए। सबको लगता है कि हम अच्छे बोलते हैं, सबको लगता है, कोई नहीं कहेगा हम अच्छे नहीं बोलते हैं, लेकिन जिनली सही में आप क्या अच्छे बोलते हैं, और अच्छे बोलते होंगे तो आप किसी को कन्विंस करके देखिए। एक बार कोई ऐसा काम दिया जाए आप, या कोई काम अपने आप पर लीजिए, एक असाइनमेंट लीजिए और उसको पूरा करके देखिए। हाँ हम बता देंगे, यानी कि हम अभी तक जितना, जैसे हम आप लोग पता ही है बहुत अलग अलग काम करके आए हैं, तो लगभग 100% में से 80% लोगों को हम कन्विंस कर देते हैं। मतलब सिर्फ हमें इतना मिल जाता है ऊपर से ऑर्डर, बट संगर इसको ऐसे करवा देना, हम ठीक है करवा, अभी तक हम फेल नहीं हुए हैं, लेकिन हम ही नहीं बोलेगा 100% पास हुए, तो फेल हम नहीं हुए, पहले बता दें। जिसको जैसे बोला गया ना, चाहे कोई सनो आदमी हो, वो घुमा फिरा कर वहाँ करके देते हैं, आ ही जाएगा। हम वैसे बात करिए, देखते हैं ना, सॉफ्ट स्किल का ट्रेनिंग हम ही देते हैं ना, तो सव्यवहार का सर कैसे किसको पटियाना है वो, और उसका नॉलेज आपके पास हो गया, यानी कि सॉफ्ट स्किल का नॉलेज, सॉफ्ट स्किल का भी कोर्स होता है, हजारों हजारों पेमेंट करके और महीनों महीनों में किया जाता है, बहुत सारा महीना, बहुत सारा हजार रुपया, ठीक है, पैसा दे के। और सॉफ्ट स्किल का भी ट्रेनिंग होता है, सबका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, सॉफ्ट स्किल का यानी व्यवहार कौशल का, ये सबका ट्रेनिंग होता है भाई। तो इस ऑपरेशन का ट्रेनिंग लेना सबसे ज्यादा जरूरी। देखिए आपके पास ठीक है हुनर है, आपके पास क्या हुनर है, मान ले जाए कि आपको ना बहुत अच्छा से ना साइकिल बनाने आता है, सब साइकिल से आता होगा, लेकिन आपको बात करने नहीं आता है सही से, है ना। कौन आएगा कहेगा कि साइकिल बनाता है, आओ ना लगा, आओ साइकिल लगा कर, और बिहार में सो अवेयर नहीं करेगा, चाहे पैसा आप कम ले रहे हैं, तो दुकान में ही जाते हैं। जो दुकानदार देखिएगा, दुकानदार आपको 10 मिनट रुका लेता है। देखिए हम लोग ये किया था ना एक बार कि 90 नंबर आया, 30 नंबर आया, तो 90 नंबर आते हुए भी दुखी मन रहेगा और 30 नंबर आते हुए भी मन खुश रहेगा, साइकोलॉजिकल समझे थे ना, ऐसे होता ही नहीं होता है।
लेकिन वही बात देखिए दुकान पे भी दुकान बिजनेस का भी ट्रेनिंग हम दिए हैं वैशाली में, जो वीडियो आप लोग दिखाए थे, वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, दिखा देंगे कभी वहाँ पे। हम लोग जैसा नहीं है, हम लोग पिताजी और दादाजी के एज सब वहाँ पता है, समझे, चलिए बताएंगे। तो उसमें क्या है ना कि दुकान में ही जाते हैं आप लोग, तो आपको अगर 5 मिनट खड़ा करा देंगे, देखिए 2 मिनट खड़ा कराएंगे ना, जब 2 से 5 मिनट तब बोर हो जाएगा, 2 मिनट खड़ा करा दिया आपको, हम आधा घंटा भी चाहेंगे तो रुका देंगे, आप खुशी खुशी आप जाइएगा, तो रुकाने का टेक्निक होगा। अब कैसे रुका, मान ले जाए कि आपको हम बोल देंगे, देखिए आपको क्या होता है, ऐसे होता है जैसे एक दुकान का, जैसे दुकानदार का बताते हैं, दुकानदार है, आप अगर गए दुकान पे तो सीधे आप जाके खड़े हो गए, कोई सामान अगर के लिए बोल दे कि ये चीज़ चाहिए हमें, तो कहा ठीक है दे रहे हैं, चुपचाप वो अपना काम कर रहा है और ग्राहक को डील कर रहा है, फिर आप बोले कि ये चीज़ दे दीजिए ना मेरा, तो ठीक है दे रहे हैं और वो डील कर रहा है, तो उसमें आप 2-3 मिनट में आप बोल रहिएगा बिहान से जाने से नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको आधा घंटा रुका देगा क्या बोल के, सिर्फ इतना ही कि भले आपका काम नहीं कर, ओह आपका लेट हो रहा है, 2 मिनट और समय दे सकते हैं, हाँ दे सकते हैं, अच्छा समझे, फिर उसको जब 2 मिनट हो जाएगा, ओ सॉरी 5 मिनट और चाहिए आपका, क्या दे सकते हैं क्या, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, जरूरत होगा तभी ना, ठीक है ले लीजिए ले लीजिए, सिर्फ उतना कहीं के बैठिए ना, 2 मिनट बैठिए ना, आए तो टूट दो एक बैठा दीजिएगा उसको, वो आधा घंटा रुकेगा, ठीक है, खाली पूछते हैं कि भाई साहब बैठे हैं चाहिए बैठे हैं, फर्स्ट ये केवल उसको टोक टाक करते रहिए, अच्छा से बात कर लीजिए, फायदा किसको हो रहा था, फायदा आप ही को हो रहा है, दुकानदार को हो रहा है, अच्छा से बतियाने में क्या जा रहा है, कर लो भाई, है ना। जैसे देखिए ग्राहक है, देखिए ग्राहक, देखिए अगर मान ले जाए, देखिए ये तो यहाँ पे आप लोग सीख रहे हैं ना, सीख रहे हैं तो हर तरह सीखना है, जैसे हम आप लोग में बोल देते हैं कि इसका नाम बोल देंगे कि जैसे मान ले जाए कि प्रियांशु बोले, अरे प्रियांशु ये फलना, प्रियांशु वो फलना, प्रियांशु बड़ी खुश रहे, सर जी हमारा नाम ले रहे थे, देखिए ठीक है उतना नहीं, कुछ जल्द अच्छा है अच्छा लगेगा, सीधे और वह हम बोलेंगे तुम बताओ आ किसी का नाम लेंगे तो दोनों जगह फीलिंग्स दो हो जाएगा, यही सोचेगा सर जी हमारा नाम अभी तो नहीं जान रहे हैं, यही कहेगा हमारा नाम जानते हैं सर जी, हाँ कॉल करेंगे घर पे कहेंगे प्रियांशु ऐसे क्या हो सके आते, बड़े खुश रहेंगे सर जी हमारा नाम, ये तो गार्जियन भी खुश, ये तो सर जी तो नाम जान रहा था, अगर कॉल आया कहेगा प्रियांशु हम गया था तो हम कहेंगे कौन प्रियांशु है, तो उनका मन छोट हो जाएगा कि मास्टर साहब को हमारे लड़का का नाम भी पता नहीं, तो नाम फर्स्ट ये तो देखिए क्या होता है दुकान में, अगर दुकानदार कोई आपके पास ग्राहक आ रहा है ना, इतना आप कीजिए खाली उसका कॉन्टैक्ट नंबर नाम लिख लीजिए, जितना ग्राहक आता है सबका कॉन्टैक्ट नंबर नाम लिखिए, ठीक है, और 2-3 दिन जब न दिखाई दे, हम ट्रिक सबको बताएं काम करता है ट्रिक, ठीक है, खाली 2-3 दिन न दिखाई दे भले दूसरा के जगह ग्राहक होगा, देखिए दूसरा के दुकान का भी ग्राहक अपने दुकान में कर सकते हैं, ये एक छोटा सा टेक्निक है जो सब जानता होगा अप्लाई नहीं करता, बताते हैं जो आप लोग अभी जानते होंगे, किसी का दुकान होगा तो अप्लाई करके देखिएगा, कहिए क्वेश्चन से सही बोलते हैं, प्रैक्टिकली करके हम रखे हैं, देखिए बताते हैं, तो दूसरे के ग्राहक, दूसरे के दुकान ग्राहक अपने पास कैसे बुलाइए, ऐसे कहिए हो भाई हमारा में सामान लीजिएगा, तो जाके कह देगा वो अपना दुकानदार को, वो हमें कह रहा था कि हमारा में से लीजिएगा, हम डिस्काउंट देंगे उसे, झगड़ा हो जाएगा दुकान में, होगा कि नहीं होगा, झगड़ा भी नहीं करना है, और वो ग्राहक अपने से आए से आए 2-4 रुपया ले ले आए, तो वो बोला टेक्निक कैसे अपनाइएगा, देखिए कैसे, अच्छा बताइए कि एमेजोन हमार फाइन होगा, कोनो मास्टर कैसा होगा कहेगा ना गौरीशंकर सर से अच्छा कोई नहीं पढ़ाता है, हमारे बारे में कोनो गलत बोलेगा जाकर लड़ाई भी कर लीजिएगा, गौरीशंकर सर ऐसे होते थोड़ा सा हमारे लिए कीजिए कि नहीं कीजिए, कौन लड़के का अगर गाइड करना होगा उसको अगर बताना होगा तो बताइएगा गौरीशंकर सर जाओ पढ़े हाँ या नहीं है, तो क्यों, क्योंकि आप मेरा आदमी बन गए, मतलब मेरा स्टूडेंट है, मेरा फॉलोअर्स है, सीधे समझिए है ना, इसीलिए आप दूसरे को कन्विंस कर रहे हैं, मतलब कि दुकानदार को भी अपना फॉलोअर बनाना होगा, फॉलोअर कैसे बनाना होगा पता है, आप हमारा कलाई से फॉलो कब कीजिएगा, देखिए सब लोग को ये उम्मीद रहता है, देखिए दुख सबको आता है, दुख सबके जीवन में है, सबके घर में है, सबके परिवार में है, तो आदमी किसी का वेट तब करता है जब उसको दुख का घर आता है, जब आपको दुख होगा ना तब उस समय याद आएगा दोस्त को पूछा नहीं हाल चाल, भले आपको दुख में आपको बीमारी लगा है, आपको कुछ हुआ है, और दोस्त खाली हालचाल पूछ लिया तो उसे बात नहीं दिया है, लेकिन लगा ना कि दोस्त हालचाल पूछा है, और ना ही मैं कहिएगा रे हमारा जरूरत पे हम दुख हुआ तो उसमें हालचाल पूछा था, उसके बाद ना उसको आप ज़्यादा फॉलो कीजिएगा, दुकानदार का कैसे करना है, दुकानदार जो भी है तो अगर ग्राहक क्या होता है ना एक उन्हें कोई ना कोई सामान उसके दुकानदार के पास कभी ना कभी कम होता है ना, तो कभी ना कभी आ ही जाएगा एक सामान तो आएगा, तो हम क्या बोलेंगे हर दिन जितना नया कस्टमर है ना सबका नाम और नंबर लिखिए और देखिए एक रहता है ना काउंटर पर देखिए कौन ग्राहक जो है ना 2-3 दिन लगातार नहीं आया है 2-3 दिन उसको कॉल कीजिए, कॉल कर क्या बोलेगा भाई सामान और काम ले जा रहे हैं हम लोग से आ जाएगा नहीं आएगा बकलोल सा ऐसे बोलिएगा तो कहेगा तो कहे ले जाए अपने से हाँ ऐसा नहीं बोलना है कॉल करना है क्या बोलना है पता है नाम लिखे रहिएगा नंबर
उसको उतना थोड़ा ध्यान है कि नाम नंबर लिख लेगा हमारा, सब भूल जाता है वो सब, याद है तो क्या दिक्कत है। तो उसको ये नहीं पता है कि डायरिया में से देख के नाम हम रख रहा है। कॉल कीजिएगा, कहा विकास भाई क्या हाल चाल है, ठीक है ना, तो हाँ ठीक है, और तब घर का समाचार ठीक है। हाँ अब दो तीन दिन से देख रहे थे कि चौक पर आप नहीं आ रहे हैं, तो सोचे हैं कि समाचार तो सब ठीक है ना, तो ठीक है ठीक है, चौक पर आइएगा तो कम से कम आइए, भेंट मुलाकात कर लीजिए, दुकान पर आया कीजिए कम से कम, अच्छा लगता है आते हैं तो, बस हो गया। अब तो वो क्या करेगा, वो तो कहा अब आएगा आपके पास मिलने, तो वो कथी कहेगा जाके बाप रे, वो दुकान वाले कौन कहेगा चलो ना उस दुकान, पूरा परिचित है, बातचीत होते रहता है। सुनिए आप ही देखो, देखिए प्रैक्टिकली बता रहे हैं, आप ही लोग से हम बात करेंगे ठीक है, देखिए ये नहीं सोचिएगा कि वो हम नहीं सोच रहे हैं, मतलब तो हम तो सबको फ्रेंड ही मानते हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब आप लोग सबको हर दिन बात करें, कहा बिकी कहा चल है, हमेशा बिकी कब 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 कॉल करेंगे, तो अभी अभी भी हम सबको बराबर मानते हैं, लेकिन विकी को अगर हम कॉल पर डे करेंगे या एक दिन बीच का इससे हालचाल पूछे गौर कॉल नहीं करेंगे, तो विकी क्या आपने आपको सोचेगा, जा गांव का गौर संग बात होते रहता है हर दिन एक दिन बीच का, कहेगा और सबके जाके कहेगा कुछ होगा ना, कहीं भी होगा हमसे बातचीत होते रहता है, कभी भी लड़का को बोलेगा ये नहीं बोलेगा जो मोतीपुर कोर्स करे चाहे जो दूसरा जगह कोर्स करे, चल गोरी संगठन से हम कोर्स करें, कहेगा खाली हम बात करते रहते हैं, हाल तो पूछ देते हैं, कब विकी का तबियत खराब होगा, एक दिन विकी से मिलने भी चल जाएंगे, हो गया विकी परिवार वाला भी यहाँ फाइन हो जाएगा, हाँ या नहीं है रियलिटी, है या नहीं है। तो दुकानदार क्या होता है ना, दुकानदार खाली कुछ आपको कहाँ कुछ करना पड़ रहा है, खाली ग्राहक का नाम नंबर नोट कीजिए, और दो तीन दिन न दिखे तो आप क्या बोल रहे हैं पता है, जैसे ये वाला बात हुआ कि वो बैंक में लिंक डाउन, मतलब क्या लिंक डाउन हो गया, मतलब क्या कि जो पैसा ना मिलता चल जो है, यही होता है, लेकिन आदमी ग्राहक यही समझता है, कह दिया सर्वर डाउन लिंक फेल, ग्राहक क्या समझा, कह रहा है कि चल जाओ काम उम ना होगा, पैसा उसा नहीं, मैं पैसा नहीं है, मैं पैसा है मैं काम उम ना होगा तो चल जाओ, भगा रहा है हमने, मतलब यही समझता ना, मतलब समझता तो भाग कैसे जाता है। जब लिंक उसे पूछिएगा कि लिंक फेल का होता है, सर्वर का फेल, तो उसको पता नहीं है, तो इतना पता है कि काम ना होगा, हाँ ये नहीं है, घर जाकर मम्मी पापा कहिएगा, मम्मी पापा पैसा निकल लो, तो कहिएगा ना, तो बोलेगी तो का दिक्कत था, कह दिया कि लिंक फेल हो, चुप हो जाइए, समझते कुछ ना है, लेकिन ये समझ जाते हैं काम ना होते, समझे बात को, सर्वर फेल मतलब कोई ना, सर्वर फेल मतलब क्या होता है किसी को पता नहीं है, लेकिन ये सबको पता है कि काम ना होगा, है या नहीं है। तो बात यही है कि ग्राहक को ना हालचाल पूछने का मतलब है कि तीन चार दिन से नहीं देख रहे हैं, आइए थोड़ा भेंट मुलाकात कीजिए, मतलब कि आइए थोड़ा सामान वाले ले जाइए, समझ रहे बात को, ये मतलब हुआ, और आपके पास आएगा था ना, आएगा ना तो आके भेंट मुलाकात थोड़े करेगा, आएगा तो कितना घर में नहीं पड़े काम है, कभी नमक घटा रहेगा तेल घटा रहेगा, कहेंगे फलना भाई लंग जा रहा है मिल रहा है, फलना दुकानदार में जा रहे हैं, कुछ घटा उटा है का, तो कह देंगे भाई चीनी ले लीजिएगा चाय पत्ती ले लीजिएगा, तो जाएगा भेंट मुलाकात करने, तो खाली हाथ तो कैसे जाए, मैंने खाली हाथ थोड़े आएगा, कहेगा अच्छा ठीक है तो चाय पत्ती दे दीजिए चीनी दे दीजिए दाल दे दीजिए, बात सही नहीं है, वो लेगा ही लेगा, ना लेगा ना कोई बात नहीं है, आओ ना एक दिन भरी एक कप चाय पिला पाँच पैक जो आप, फिर एक दिन फिर ओकरा बाद में जब बोल दिए हैं कि फिर फुल अच्छा लगता है, फिर दो तीन बार जैसे आ जाएगा ना वो दुकानदार को भूल जाएगा, अब कहेगा चाय वो भी हम जाते हैं तो हम कुर्सी देता है चाय वो पिलाता है, अब अपने खरीदे ना खरीदे, लेकिन नया नया ग्राहक आपके यहाँ भेजेगा, ग्राहक भेजेगा। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी को कन्विंस करने के लिए बोले हैं, यहाँ एक आदमी को नहीं कर रहे हैं, वो तो दस रुपये को वो आपके लिए एजेंट का काम कर रहा है, बिना पैसा के आपका एजेंट बन गया, बिना पैसा का आपका काम वो करके दे रहा है, बात सही नहीं है सही। और चाय वो जो पिलाए हैं उसके वो सामान लेगा हमें जोड़िए दीजिए, हमें पता है वो जोड़िए कह के नहीं गलत है क्या, और हम बताते हैं आगे, और आगे और करना है दूसरे दुकानदार से, और अच्छा तो क्या करना है, देखिए लोग क्या कर, देखिए आप लोग, देखिए आप लोग क्या कीजिएगा ना, आप लोग कंप्यूटर हैं, यहाँ पे कंप्यूटर में क्या चीज देखिएगा पता है, खाली इतना ही देखिएगा आप लोग कंप्यूटर में कि कंप्यूटर का स्पीड कितना चल रहा है, समझे ना, खूब अच्छा सा स्पीड चल रहा है, रूम में लाइट वेट लगा दिए खुश, और चीज नहीं दिखता लगा सके, मतलब कि जो जहाँ नजर जा रहा है ध्यान जा रहा है उसको से चेंजिंग कर लीजिए, लोग जो है ना ये देखिए मैं छोड़ दे, लड़की लोग ज्यादा नहीं बोला जाता है, हाँ अच्छा बाकी देखिए पता है जो सच्चाई होता है ना मुंह से निकल जाता है, क्या करें, तो सच्चाई को हम लोग बदलते हैं, अच्छा अच्छा मान लिया जाए लड़कावे से बोल, अच्छा अच्छा लड़के से बोले लड़कावे से बोले, मान लिया जाए कि लोग देखिएगा उनकी रियलिटी बता रहा है क्या होता है कि हाँ जैसे बोलते हैं, देखिए
जो भी होता सामने कोई भी व्यक्ति देखे अंदर से जो भी कुछ रहे, मतलब कि अंदर से सोच